हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो शाम के टाइम है, 5:30 बज गया है और मैं जा रही थी थोड़ा नीचे, क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। तो मैं सोची चलो नीचे घूम के थोड़ा आती हूँ। और थोड़ा सा काम हो गया है, शाम तक मेरा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ हो जाता है। रेस्ट भी कर लिया दोपहर में, तो चलिए चलते हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे आगे देखिए मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ और आज क्या है आपको मतलब शेयर करती हूँ इस ब्लॉग में। क्या मतलब कुछ स्पेशल है, कुछ खास है या क्या है? आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बस अभी मैं जा ही रही थी नीचे, और आपके घूम के, क्योंकि घर में बैठे बैठे अच्छा भी नहीं लग रहा है और जैसे लग रहा है कि शरीर भारी होती जा रही है। तो चलते हैं बाहर का हवा पानी लेते हैं। यह है रात की वीडियो जो मैं डिनर बना रही थी। तो डिनर में मैं कुछ खास नहीं बना रही हूँ, क्योंकि दिन का खाना बहुत बड़ा था। चावल भी था, दाल भी था, रोटी भी था। तो मैंने अभय से पूछा क्या बनाओ, तो उसने बोला सोयाबीन की सब्ज़ी बना लो। तो मैं यहाँ पे सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, सोयाबीन आलू और सहजन की सब्ज़ी बना रही हूँ। क्योंकि अभय ने जिम ज्वाइन किया है, तो उसने सोयाबीन बहुत मतलब बहुत खाता है, क्योंकि सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो उसने सोयाबीन बोला बनाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मिक्स करके बना लेती हूँ, सहजन मुझे काम आ जाएगा। तो सहजन की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, तो उसी की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी। और मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड, मैं नीचे गई तो थी, लेकिन मैं बाहर नहीं जा पाई घूमने के लिए, क्योंकि मैं देवरानी के रूम पे चली गई। तो देवरानी सिलाई कर रही थी तो बिजी थी, तो इसके लिए मैं नहीं जा पाई, वहीं से चली आई, तो उसी के घर से। तो बस वही सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सोयाबीन भिगा के रख दिया था, और यहाँ पे मैं आलू और सहजन भी कट करके धो के रख लिया था। मैं तड़का काट रही हूँ, तड़का मैं डायरेक्ट कढ़ाई में ही काट रही थी। और मैंने प्याज और मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट और जीरा का तड़का दिया है, उसके बाद सोयाबीन डाल के भून लूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा। अदरक लहसुन का पेस्ट सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे देखिए, मैं सोयाबीन भिगा के रखी थी, फूल गया था, तो यहाँ पे मैं सोयाबीन डाल के भून लूँगी अच्छे से। थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो मैं बाकी की सब्जियाँ जो है, आलू है और सहजन है, उसको भी मिक्स करके भून लूँगी। और ये इसमें एक कट करके टमाटर डालूंगी, बाकी गरम मसाले मतलब बाकी सारे मसाले डालूंगी, मतलब धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, गरम मसाले, नमक, ये सब मसाले हैं डेली के जो यूज़ करती हूँ। और इसको मैं अच्छे से पानी डाल के भून लूँगी। भूनने के बाद जब मसाला भून जाएगा, टमाटर गल जाएगा, तो हम अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जितना कम ज़्यादा मतलब जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने भून के मतलब मसाला और टमाटर डाल के ढक दिया है टमाटर को गलने के लिए। बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। इसके बाद मैंने रात के खाने के बाद मैंने दूध बनाया था, उसका भी वीडियो मैं डाल दी हूँ, आप देख सकते हैं। ये है हालिम, जैसे कि बीज है, हालिम का बीज है, इसे हालिम बोला जाता है इंग्लिश में, आप देख सकते हैं। तो मैं ये मार्केट से लाई थी, डी मार्ट से। तो मैं आज दूध बना रही हूँ, हल्दी का दूध बना रही हूँ। तो उसको एक चम्मच में पानी में 10 से 15 मिनट भिगा दिया था। भिगाने के बाद ना, ये जो फालूदा का जो बीज होता है ना, उसी तरह से ये लिक्विड छोड़ देता है, जिसे एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाता है फूल के। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है, गर्म हो रहा था दूध, मेरा पहले से गाढ़ा हो चुका है। अब उसके अंदर मैंने एक चम्मच हल्दी पाउडर डाला, एक चम्मच मैंने घी डाल दिया है,
और घी में भुना हुआ बहुत सारा ड्राई फ्रूट है जो कि मैंने भून के पीस के उसको फ्रिज में रख दिया है कि जब भी मैं दूध बनाऊँ उसमें मैं 1 से 2 चम्मच मिक्स करके डाल सकूं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीनी के जगह मिश्री है जो पाउडर बना के रख लिया है, तो शक्कर से अच्छा है कि हम मिश्री का यूज करें। अगर मिश्री घर में नहीं है तो हम शक्कर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हल्दी का दूध मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इस समय जो मेरी बोन्स में दर्द है, पेन है, कमजोरियाँ हैं मसल्स में, तो उसके लिए मैं ऐसा दूध बना के आपको दिखा रही हूँ कि कमज़ोरी में जब शरीर में कमज़ोरी रहती है और दर्द होता है, नींद की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आता है, तो इसमें ऐसा दूध अगर बना के जो पिएगा उसको बहुत अच्छी नींद आती है और सारा पेन जो है, जो दर्द है, वो एकदम मतलब गायब हो जाता है, एकदम रिलैक्स फ्री हो जाते हो। और ये जो बीन्स है ना, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये बहुत अच्छा है और बोन्स के लिए तो बहुत यह ताकतवर है, मैंने गूगल में पढ़ा था। इसके लिए मैं ये दूध बना के ड्रिंक खुद भी पीती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, बहुत अच्छा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसा बना के आप लोग दूध पीजिएगा। आज का जो दूध का वीडियो मैंने बनाया है, मैं अपने बहनों से और अपने भाभियों से एक कहना चाहूँगी कि जो मैंने हाल ही जो बताया, जो बीन्स बीज बताया, उसका दूध सब पी सकते हैं, बस प्रेगनेंट लेडीज नहीं पी सकती हैं क्योंकि वो थोड़ा गर्म होता है, तो मैं उनको अलाउड नहीं करूँगी पीने के लिए क्योंकि उनको नुकसान भी हो सकता है। बाकी सब लोग पी सकते हैं जिनको पेन हो, दर्द होता है बोन्स में, हड्डियों में, नींद की प्रॉब्लम, ऐसी ऐसी मतलब प्रॉब्लम है, दर्द है, वो सब ये दूध पी सकते हैं। बाकी सबके लिए ये दूध है, बस खाली प्रेगनेंट्स जो मेरी बहनें, जो मेरी भाभियाँ रहेंगे वो नहीं पी सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के साथ कोई अनर्थ हो, बस। और बाकी सब पी सकते हैं, बहुत हेल्दी है, बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और काफ़ी मैं जो मैंने जिस हिसाब से मैंने बनाया है काफ़ी अच्छे से बनाया था, बहुत अच्छा लगता है। मैं घर में सबको मतलब सर्व करती हूँ, मतलब पिलाती हूँ, बच्चों को भी, खुद भी पीती हूँ, हस्बैंड भी पीते हैं। और आई होप बस सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मस्त है, आप लोग भी चंगा रहिए, मैं भी ठीक हूँ फिलहाल, पहले से अच्छी हूँ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सेम आईडी है कुसुम चौहान कुकिंग ब्लॉग से। तो आप लोग मुझे वहाँ भी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों का प्यार साथ अच्छा लगता है, बस अपना साथ प्यार बनाए रखिएगा। मिलेंगे एक नई ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, बाकी घर में सबका ख्याल रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इंजॉय कीजिए, बस राधे राधे।